माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब इसमें यानी कि इस चैप्टर में जो है मेन कंसेप्ट क्या होता है कि जो कोई पार्टनर है, मान लो कि कोई भी एक पार्टनर है, वो क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। एक फॉर्म के अंदर मान लो तीन चार जो पर्सन है वो काम कर रहे हैं, तीन चार आदमी काम कर रहे हैं, और उसमें से मान लो कि एक को लगता है कि एक का या तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, या उसको लगता है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती तो मुझे अब काम नहीं करना चाहिए, तो वो किसी भी रीजन से ना वो फॉर्म को छोड़ के चला जाता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गया, एक रिटर्न में नोटिस देके गया होगा कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं कि अब वो यानी कि पर्सन क्या हो रहा है, अपने उस ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो रहा है, ठीक है, वो पर्सन क्या हो गया, रिटायरमेंट उसने ले ली। अब या फिर एक केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे तीन चार लोग काम कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इस वजह से जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन को, तो अब वो तो चला ही गया ऑर्गेनाइजेशन से, तो इसमें ये दो केसेस जो है आ जाते हैं। अब इन दोनों केसेस में से अगर कुछ भी होता है तो क्या हो जाता है कि जो हमारा पुराने वाला एग्रीमेंट होता है, जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं, वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब नए पार्टनर के साथ जो है बाकी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, तो उनके साथ एक नया एग्रीमेंट स्टार्ट होगा, तो जो नया एग्रीमेंट बनेगा यानी कि पुराने वाला खत्म हो गया, नए वाला स्टार्ट होगा, नई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ठीक है, तो इस तरीके से नया एग्रीमेंट बनेगा। तो अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट मीन्स वन और मोर पार्टनर्स में लीव द फर्म, यानी रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि एक या एक से जो ज्यादा पार्टनर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। लीव का मतलब क्या है, छोड़कर जाना, एंड इट इज द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, यानी कि जो पुराने वाला एग्रीमेंट है वो क्या है, खत्म हो जाएगा। बिटवीन द पार्टनर यानी कि वन ऑफ द वे ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीका। अभी अभी मैंने बताया ना कि यहाँ भी पुराने वाला एग्रीमेंट खत्म, नए वाला स्टार्ट, बट इट डज नॉट मीन द एंड ऑफ द बिजनेस। अब ये थोड़ी है कि यहाँ पे पार्टनर ही तो गया है, कोई बिजनेस थोड़ी खत्म हो गया, एक पार्टनर के जाने से या दो पार्टनर के जाने से बिजनेस खत्म नहीं होता, बिजनेस तो एज इट इज चलेगा, ठीक है। अब देखो कि जो पार्टनर जा रहा है वो क्या लेगा, अब उसने इतने टाइम पीरियड तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया, उसकी भी कुछ रेपुटेशन बन गई होगी, तो वो गुडविल में से हिस्सा लेगा, उसके जितने टाइम उसने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो जितने उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह है, रिजर्व वगैरह है, उन सभी में से वो क्या लेगा, हिस्सा लेगा, ठीक है। और भी अगर किसी भी तरीके का लॉस है तो वो उसको देना पड़ेगा, अगर उसको कुछ भी तरीके से कहीं से भी कोई बेनिफिट है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज हम तब तक का निकाल लेंगे जब तक कि वो उसकी रिटायरमेंट वगैरह नहीं हो जाती है, डेथ वगैरह नहीं हो जाती तब तक हमने निकाल लिया, तो अगर उसे प्रॉफिट होता है तो हम उसमें भी उसको देना पड़ेगा हमें, ठीक है, उसके कैपिटल अकाउंट में इसको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर पार्टनर्स के अकाउंट में कुछ जाता है, क्रेडिट करते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं अगर उसके अकाउंट में कुछ जाता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या बताया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट टू बी मेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, किस तरीके के एडजस्टमेंट करते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके पास वन बाय वन आएंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ती है, गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ती है। अभी जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैंने आपको बताया था कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं, क्योंकि जब नया पार्टनर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आता है तो पुराने वाले पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, अपने हिस्से में से कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब इसमें क्या है कि एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना, तो उसका भी हिस्सा फ्यूचर में किनको मिलेगा, बाकी बचे हुए पार्टनर्स को मिलेगा, यानी कि बढ़ के मिलेगा ना उनको हिस्सा, तो उनको क्या होता है, गेन, गेन का मतलब क्या है, प्रॉफिट, तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं, इसका भी फॉर्मूला है। आगे क्या है कि गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे, अब उसने अपने टाइम पीरियड तक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, गुडविल बनाने में अपना हिस्सा जो है उसने दिया था, तो अब वो अपना हिस्सा भी तो मांगेगा गुडविल में से, और क्या करेंगे, उसके रहते हुए का जितना भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है या रिजर्व है वो सब उसको दिया जाएगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज निकाली जाएंगी कि कितने टाइम पीरियड तक हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या वैल्यू है, और क्या है इसमें प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट होगी, ठीक है, बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाएगा। तो यहां तक का फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इसके अंदर निकालना सीखेंगे। इस वीडियो सेशन में हम निकालना सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, कि अगर मान लो कि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो हम जो है नई रेशियो किस तरीके से निकालते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमारे पास इसके अंदर टू केसेस होते हैं, पहला केस तो क्या है कि हमें इफ द न्यू PSR, इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं गिवन है, देन इट इज एज्यूम दैट, तो ये माना जाता है द रिमेनिंग
पार्टनर, यानी कि अब देखो जो पार्टनर रिटायर हो गया है उसको छोड़ के जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन में जो बचे हुए पार्टनर है विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द ओल्ड रेशियो, वो अपने ओल्ड रेशियो में ही अपना प्रॉफिट और लॉस जो है शेयर करेंगे। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है PQR वर पार्टनर्स। PQR हमारे पास तीन पार्टनर है फॉर्म के अंदर, वो अपना प्रॉफिट्स और लॉस जो है किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 5:3:1। ठीक है, 5:3:1, यानी कि पहली किसकी है पी की, अगली किसकी है क्यू की, अगली किसकी है आर की। अब आपको कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ पी रिटायर, अगर मान लो पी रिटायर हो जाता है, अगर पी रिटायर हो गया तो इसको कैंसिल कर दो, तो इनकी बची क्या 3:1। अगर मान लो क्यू रिटायर हो जाता है तो अब यानी कि ये रिटायर हो गया ना पी क्यू आर, हमारे पास ये तीन है 5:3:1। अगले केस में क्या बताया कि अगर कौन रिटायर हो गया, क्यू रिटायर हो गया, तो इसको क्रॉस कर दो तो इनकी रेशियो क्या बची 5:1। अगर आर रिटायर हो गया, अगर आर रिटायर हो गया तो देखो ये हमारी पी की है, ये क्यू की है, ये आर की, इसको छोड़ दो, बाकी ये ले लो 5:3। ठीक है, तो इस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल देंगे। अगर आपको जो है फ्रैक्शन में दिया होगा तो आप कैसे करोगे इसको, एबीसी हमारी फॉर्म में तीन पार्टनर है जो की प्रॉफिट और लॉस जो है अपना इस रेशियो में शेयर कर रहे हैं 1/2, 1/3 और 1/6। तो अब आपको क्या निकालनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है अगर बी रिटायर हो रहा है। तो अब देखो पहले तो ये फ्रैक्शन जो है, पहले तो हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 3:2:1 आ गई। ठीक है, तो 3:2:1 यानी कि ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है। ठीक है, अब देखो कि जा कौन रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, यानी कि इसको छोड़ दो। ठीक है, तो बाकी किसकी बच गई, ए और सी की बच गई 3:1। तो अगर मान लो बी रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशो जो है ए और सी की वो कितनी होगी 3:1। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर फर्स्ट है, तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जो है हम इसका केस नंबर सेकंड जो है वो डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारे पास जो केस नंबर सेकंड है उसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो जो रिटायर हो रहा है जो पार्टनर, उससे वो कुछ फ्रैक्शन में, कुछ स्पेशल आपको फ्रैक्शन जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, तो मतलब उसमें वो किसी फ्रैक्शन में आपसे क्या लेंगे, वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपसे लेंगे, यानी किससे लेंगे, जो रिटायर हो रहा है जो पार्टनर। अब देखो इफ द रिमेनिंग पार्टनर परचेज द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन सब स्पेसिफाइड फ्रैक्शन, ठीक है, अगर मान लो फ्रैक्शन में वो लेते हैं तो जो उनका एक तो हिस्सा जो उनको मिल रहा है, ठीक है, वो, और अब जो रिटायर हो रहा है जो पार्टनर उससे भी वो हिस्सा ले रहे हैं तो वो ऐड कर देंगे। अब मान लो कि पहले आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था और एक नए मतलब एक पुराना पार्टनर जो है वो छोड़ के आपके ऑर्गेनाइजेशन चला गया है, आपको उसके जाने से 5 रुपए को और बेनिफिट हो गया, ठीक है, 5 रुपीज को और बेनिफिट हो गया, अब आपको कितने मिलेंगे, 15 मिलेंगे ना, तो आपने क्या करना है, तो जो मतलब आपको जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आपको अपनी पुरानी वाली जो रेशो है उसमें ऐड कर दो, ठीक है, अब आपको उतना मिलेगा। अब आगे इसमें क्वेश्चन बताया हुआ है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, अब ए बी सी हमारी फॉर्म में तीन पार्टनर काम कर रहे हैं, उनकी रेशियो क्या है 5:4:3, यानी कि ये ए की रेशियो है, ये बी की रेशियो है और ये सी की रेशियो है। ठीक है, आगे क्या है, कौन रिटायर हो रहा है, बी, बी जो है वो रिटायर हो गया एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली, इक्वली का मतलब क्या है, इक्वली कौन कौन लेंगे, जो उसका हिस्सा है, किसका हिस्सा, जो बी का हिस्सा है वो इक्वली कौन लेंगे, ए भी लेगा और सी भी लेगा, यानी कि दो पार्टनर आपका हिस्सा लेंगे, दो पार्टनर है तो रेशो क्या हो जाएगी 1:1। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड सी, आपको ए और सी की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है क्योंकि बी तो जो है वो चला गया। अब बी का जो शेयर है वो डिवाइड होगा किस किस के बीच में, ए और सी के बीच में, किस रेशो में, मैंने आपको बताया कि वो इक्वली लेंगे, तो दो पार्टनर है तो हम उसके लिए क्या लिख देंगे 1:1। अब ए कितना मतलब गेन करेगा, अब जो बी का हिस्सा है, बी का हिस्सा कितना है, अब यहाँ पे 5:4:3, अब ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है, बी का किस्सा कितना हिस्सा है यहाँ पे 4, अब 4/ यहाँ पे तो 12 भी लिखा है नीचे, तो यहाँ पे 12 कहाँ से आ गया, 5+4+3, यानी कि इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 12, तो मतलब बी के हिस्से का वो कितना लेगा, इक्वली लेगा, इक्वली का मतलब यहाँ पे 1/2 कैसे आ गए, यहाँ पे तो 1:1 लिखा था, 1+1, ठीक है, 1/2 हो गया ना, तो यानी कि इक्वली कौन लेगा, जो ए लेगा, अगर ए ने लिया तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई करी, 4 और 2 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करी 24, तो अगर हम इसको कट करते हैं तो 2/12 हमारे पास आ जाता है।
अब देखो कि अब इसको ना इतना हिस्सा और एक्स्ट्रा मिलेगा, किसको मिलेगा, ए को, ठीक है। तो जो ए को जो पुराना हिस्सा मिल रहा था, ए को पुराना कितना मिल रहा था, ए की रेशियो क्या थी, अब यहाँ पे 5/12 कैसे आ गया, अब यहाँ पे 5 को यहाँ पे लिखा हुआ, 12 कहाँ से आया, इन सभी का टोटल कर देंगे। 5/12 तो उसको पहले ही मिल रहा था, 2/12 उसको अब मिलने लग गया। यहाँ पे मैंने 1/6 इसलिए नहीं कंसिडर किया क्योंकि कट तो ही आगे भी जाता, क्योंकि हमें यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो। समझ आ गई बात। आगे 5+2 कितना हो गया, 7/12। तो ये तो है ए का हिस्सा। अब आगे जो है किसकी निकालनी थी, सी की। तो सी कितना गेन करेगा, पहले तो गेन का निकालना है ना, इक्वली लेगा वो किसके हिस्से का, बी के हिस्से का। बी का हिस्सा कितना था, 4/12, यानी कि ये वाला केस तो आपका बिल्कुल सेम है। अब ये सी का जो शेयर है आपको नया शेयर निकालना है, तो जो सी का पुराना शेयर है, पुराना शेयर इसका कितना हो जाएगा, 3/12, ठीक है। और उसको नया वाला शेयर कितना मिलेगा, 2/12। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 5/12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी की कितनी है, 7/12:5/12। हम इसको लिख सकते हैं 7:5, ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई है। तो यहाँ तक का फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।